कक्षा 12वीं गृह विज्ञान अध्याय 1 का पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पिछली क्लास में समय और शक्ति का अर्थ परिभाषा पढ़ा था। चलिए आज हम इसके आगे समय और शक्ति को बचाने का क्या महत्व है इसको पढ़ते हैं। तो साधनों समय और शक्ति बचाने का पहला कारण है साधनों के प्रति सजगता। यदि गृहिणी विवेकपूर्ण नीति से समय और शक्ति को खर्च करेगी और यह जान ले कि किन किन साधनों का उपयोग करके शक्ति और समय की बचत की जा सकती है, जैसे यदि वह स्वयं थक गई हो तो परिवार के सदस्य उसकी सहायता कर ले और उस कार्य को जल्दी से संपन्न कर ले, या स्वयं की शक्ति को बचाकर धन साधन का उपयोग कर वह नौकरों के द्वारा भी अपना कार्य संपन्न करवा सकती है। दूसरा है थकान का कम अनुभव। यदि गृहिणी सभी कार्य समय समय पर करे तो शक्ति की बचत करने के तरीकों को ध्यान में रखेगी और वह ये निश्चित समय सीमा में ही सफलतापूर्वक अपने कार्यों को संपन्न कर सकती है। और तीसरा है अतिरिक्त समय का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए। तो गृहिणी यदि सतर्कता और सावधानी पूर्वक अपने दैनिक कार्यों को समय और शक्ति बचाने के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करेगी तो उसके पास स्वयं के लिए भी समय होगा जिसका उपयोग वह अन्य कार्यों जैसे लेखन, संगीत, समाज सेवा, सिलाई कढ़ाई और दूसरे रचनात्मक कार्यों के लिए भी वह कर सकेगी। अगला पॉइंट है आत्मगौरव की अनुभूति। तो समय तो सीमित है बच्चों, इसको अपन बांध कर नहीं रख सकते, है ना। तो सीमित समय में अधिक से अधिक कार्यों को सफलतापूर्वक कर लेने से आत्मगौरव की अनुभूति होती है। जिस घर की गृहिणी उत्साह व आत्मगौरव की अनुभूति से भरपूर होगी वह घर के अन्य सदस्यों के लिए अनुकरणीय होगा एवं ऐसी गृहिणी का प्रभावशाली व्यक्तित्व घर परिवार एवं समाज में उत्साह उत्पन्न करने वाला होता है। क्योंकि कहा ही गया है बच्चों कि माँ ही पहली शिक्षक और पहली गुरु होती है जो बच्चों को अच्छे संस्कार और अन्य कार्य सिखाती है। अगला पॉइंट है गुणात्मकता एवं कुशलता में वृद्धि। समय और शक्ति बचाने वाले घरेलू उपकरण का सदुपयोग कर कार्यों की गुणवत्ता तो बढ़ती है, साथ ही गृहिणी की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है समय एवं शक्ति का मूल्यांकन। समय पर कार्य संपन्न हो जाने पर गृहिणी समय एवं स्वयं की शक्ति के मूल्यांकन का समय मिल जाता है और फिर की गई गलतियों में सुधार कर अगली बार उसी कार्य को अधिक कुशलता के साथ गृहिणी संपन्न कर सकती है। आगे पॉइंट है अनुशासित जीवन शैली। तो सीमित शक्ति एवं समय में कार्य करने से गृहिणी के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य समय व शक्ति का महत्व अच्छे से समझने लगते हैं एवं सभी सदस्य अपने सभी कार्य समय सीमा में करते हुए अनुशासित जीवन जीने की कला एवं महत्व को समझ जाते हैं। बच्चों ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कुछ उपकरण जिनकी सहायता से गृहिणी अपने समय और शक्ति को बचा सकती है और समय और शक्ति को बचाकर वह अन्य कार्य भी अच्छे से संपादित कर सकती है। तो ये है कुकर और मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन और फ्रिज। इन सभी का दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। तो आइए हम अब आगे देखते हैं कि समय और शक्ति बचत के साधन कौन कौन से हैं।
पहला है प्रेशर कुकर, आप परिचित होंगे, यह प्रतिदिन रसोई में काम आता है ना। और प्रेशर कुकर में दो या तीन खाद्य पदार्थों को एक साथ बनाने में हमें सहायता मिलती है, इससे समय और शक्ति की बहुत बचत होती है। खाद्य पदार्थ एक बार कुकर में रख देने से यह पूरा पकने पर ही निकाला जाता है, और बार बार भोजन सामग्री को बार बार देखने, चलाने या पका है कि नहीं पका, इसमें जो अनावश्यक शक्ति और समय लगता है वह बच जाता है। तो बाज़ार में बहुत सी कंपनियों के कुकर मिलते हैं, है ना। ये कुकर गैस स्टोव और कोयले की अंगूठी पर भी रखे जा सकते हैं। इससे भोजन भाप के द्वारा पकाया जाता है, और पात्र और ढक्कन के बीच एक रबर का छल्ला लगा होता है जो भाप पात्र में कसकर बंद कर ली जाती है, और उच्च ताप और नमी के कारण इसमें खाना शीघ्र और स्वादिष्ट पक जाता है, जिसके साथ ही समय और शक्ति की बचत होती है। बच्चों, बनावट से आप परिचित होंगे कि प्रेशर कुकर की बनावट क्या है, इसके पात्र कौन कौन से हैं, है ना। तो भगोने के आकार का एक स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का बड़ा पात्र होता है, जिसमें एक हैंडल लगा होता है। ऊपर नीचे के किनारे मुड़े हुए होते हैं, और यह ढक्कन के साथ फिट कर भाप के को रोक सके, ऐसी इसकी बनावट होती है। दूसरा है प्रेशर कुकर का ढक्कन, जिसका मुख्य पात्र बना होता है, उसी धातु का ही ढक्कन बनाया जाता है। इसमें भी हत्था लगा होता है, ढक्कन के ठीक बीच बीच में भाप को नियंत्रित करने हेतु एक निकास नली होती है, और इससे 2 इंच सुरक्षा नली रहती है, जिस पर रबर या हल्के एल्यूमिनियम का प्लग लगा रहता है। अधिक दबाव उत्पन्न होने पर यह प्लग भाप द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है, और दुर्घटना से बचाव हो जाता है। तीसरा है सीटी। तो इस सीटी के बिना अगर आप चाहें कि भोजन पका लें तो यह नामुमकिन है। भोजन पकाने में सीटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो भाप के दबाव को नियंत्रित करने हेतु निकास नली पर वेट लगाया जाता है। यह वेट 5 एवं 15 पाउंड वजन के दबाव को रोक रखने में उपयोगी होती है। खाद्य वस्तु को पकाने में जितने दबाव की आवश्यकता होती है, उतना वेट निकास नली पर रखा जाता है। आगे है रबर का छल्ला। रबर का छल्ला ढक्कन में फंसाया जाता है, इससे ढक्कन पात्र को कसकर बंद कर देता है, जिसके कारण भाप बाहर नहीं निकल पाते। फिर है जाली। यह कई सुराखों की कुकर के आकार की तश्तरी होती है, इसे रखकर उसके ऊपर पात्र रखते हैं, और पात्र के नीचे पानी का स्थान खाली नहीं होना चाहिए, उसमें पानी भरना चाहिए। साधारणतः जाली डूब जाए उतना ही पानी पात्र में रखकर कोई खाद्य वस्तु पकाना चाहिए। पानी भरेंगे तभी उसमें भाप बनेगी और आपका भोजन पकेगा। आगे है भोजन पात्र। पकाने के लिए एल्यूमिनियम अथवा स्टेनलेस स्टील के गोल अथवा अर्ध गोल या त्रिकोणावृत्ति 3 पात्र होते हैं। इसमें अलग अलग खाद्य सामग्री रखी जाती है, जैसे दाल चावल, आपको आलू उबालना है, आपको कुछ उबालना है, पकाना है, तो उसके साथ आप 3 खाद्य पदार्थों को एक साथ पका सकते हैं। इसमें उपयोग तो हमने कर लिया, पर उसकी स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो कभी भी मुख्य पात्र को 2/3 भाग से अधिक ना भरें। खाद्य सामग्री उपयुक्त मात्रा के जल के साथ ही कुकर में रखें। रबर का छल्ला और ढक्कन ठीक से लगाएं। निकास नली से जब भाप सीधी रेखा में निकलने लगे तभी उसके ऊपर सीटी रखें। पकाने का पूरा समय होने पर ही कुकर को आग पर से हटाकर ठंडा होने दें। जब तक प्रेशर समाप्त ना हो ढक्कन खोलने का प्रयत्न ना करें। कहने का मतलब है बच्चों कि ठंडा होने पर ही
पहले सीटी हटाएं, उसके बाद कुकर का ढक्कन। पहले अपन प्रेशर खोलना है तो पहले उसको ठंडे जल के नीचे रख दें, नल चालू कर दें, नीचे कुकर रख दें और पूरा कुकर जब ठंडा हो जाए तभी आप उसको खोलें। फिर है दो या तीन वस्तुएं ना पकाएं, अन्यथा एक घुल जाएगी और दूसरी पकेगी ही नहीं। बच्चों, खाद्य पदार्थों को पकाने में प्रत्येक पदार्थ का पकने का समय अलग अलग होता है, तो ऐसा करने पर या तो एक बहुत अधिक पक जाएगा और दूसरा कच्चा रह जाएगा। प्रतिदिन कुकर व ढक्कन को अच्छे से विम से साबुन से साफ करें, जिससे अगर उसमें कुछ भोज्य पदार्थ लग जाता है तो वो साफ हो जाए। निकास नली में कचरा ना जमने दें। अगर कचरा जम गया तो फिर उसमें से भाप बनने में उसको परेशानी। और रबर के बिना कुकर को पोंछ कर सुखा लें। सीटी को भी स्वच्छ रखें। बिना रबर लगाए या बिना जल के पात्र को कभी भी आग पर ना रखें, इससे पात्र जल जाएगा। उपयोग में ना लाने पर कुकर और ढक्कन अथवा रबर अलग अलग रखें। चमक लाने के लिए कभी कभी एक दो बार नींबू की फांक को रखकर कुकर में पानी के साथ थोड़ा सा पका लें, जिससे अंदर कुकर साफ हो जाएगा। अब आता है समय और शक्ति बचाने का दूसरा साधन, जो है मिक्सर या ग्राइंडर। बच्चों, आपने देखा होगा पहले घरों में मसाला पीसने के लिए, चटनी दालें आदि पीसने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे, जिसको सिल बोलते हैं। उसमें महिलाओं की, गृहिणियों की बहुत अधिक शक्ति लग जाती थी। आजकल यही काम मिनटों में मिक्सर या ग्राइंडर के द्वारा कर लेते हैं। तो इसकी कार्यविधि देखते हैं। रसोई बनाने में मसाले, चटनी दालें आदि पीसने की आवश्यकता होती है। टमाटर का सूप, मक्खन आदि भी बनाया जाता है। उक्त कार्यों को करने के लिए बिजली की मोटर में कार्य करने वाली मिक्सर या ग्राइंडर से कार्य करने पर श्रम की और समय की बहुत बचत होती है। इस यंत्र के निचले भाग में बिजली की मोटर लगी होती है। ऊपर के हिस्से पर प्लास्टिक अथवा धातु का एक पात्र मशीन से संलग्न रहता है, जिसे स्वच्छता हेतु अलग भी किया जा सकता है। परिवार की आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा मिक्सर ग्राइंडर खरीदा जा सकता है। प्रयोग के पश्चात इसकी स्वच्छता की पूरी सावधानी रखनी चाहिए, तभी यह मशीन दीर्घकाल के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इसको पढ़कर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और पढ़ेंगे।